प्रधानमंत्री बिहार में मेगा एंट्री करेंगे सासाराम से, सीधे चलते हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र हैं सासाराम में। ज्ञानेंद्र, क्या माहौल है वहां पर, किस तरह से तैयारियां की गई हैं? हमने सुना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्सियां सजाई गई हैं। विकास जी, मुझसे ज्यादा बीजेपी की रैली है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का अनुभव आपको है, और आप ये जानते हैं कि माहौल क्या होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उनसे ज्यादा माहौल कौन बनाता है। सुबह 7 बजे से एबीपी न्यूज की टीम यहां है और सुबह 7 बजे से माहौल बनना शुरू हो गया है। आपने कहा कि कैसे अंदर जाया जाएगा, एक एक चीज बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इन 11 गेटों को दिखाएंगे दुर्गेश, क्योंकि इन्हीं गेट से इस मैदान के अंदर लोगों की एंट्री हो रही है। जो लोग आ रहे हैं सुबह से ही लाइन है, अभी लाइन को थोड़ा सा, चूंकि सारे गेट खोल दिए गए हैं इसलिए लोग कम दिखेंगे, लेकिन इस देखिए बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, बिना मास्क के और थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए। बाहर चलिए दुर्गेश, जरा मैं दिखाता हूँ, थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लगे हैं, जो कि इस तरह से थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए सब पूरी व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंदे, देखिए इनसे सबसे गुजरने के बाद ही आप रैली के अंदर जा सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात कि मास्क अगर कोई नहीं पहना है तो उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं है, और जो लोग यहाँ पर सुरक्षा बल खड़े हैं वो भी एक एक व्यक्ति को चेक कर रहे हैं। आप संख्या देख सकते हैं विकास जी की, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हैं और कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल है। तो ये वो गेट है जहाँ से अंदर जाया जा सकता है, और इसी तरह से चेकअप करने के बाद हर किसी व्यक्ति लगातार नजर बनाए रखिएगा ज्ञानेंद्र, और आप अपना भी ख्याल रखिएगा, भीड़ होगी वहाँ पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।